क्या हुआ? वेरी नाइस, आर इक्वल टू टू एन, आपका था आंसर इज कमिंग 5/4। तो एक्चुअल में आपका यहाँ तक आपने बिल्कुल किया, नो प्रॉब्लम। तो देखो आपका आर प्लस वन का टी एटम, सेकेंड वाले को ही आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम आप कर रहा हूँ। कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है, इसलिए चिंता कोनो भी सही नहीं है। पावर इज 10, ये वाला ये नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर दिया, ये हो गया आपका ना। देखो अब आप इसको जरा देखेंगे, देखो एक्स इज इक्वल टू आपका एक्चुअल में क्या, रूट एक्स अपॉन 3 है, और जो ए है दैट ए इज आपका 3 अपॉन आपका देखो 2x2। पहले इसको समझ लीजिए आप, तो देखो अब इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, एक्स की पावर 3 की पावर 1/2 आ जाएगा, रूट आपका कन्वर्ट हो गया ना। अब आपका एन, एन का मतलब आपका देखो 10 माइनस आपका जो होगा 8 इंटू ए, ए का मतलब आपका देखो 3 अपॉन 2x2 की पावर ना, देखो ठीक है सर। तो ना 10 सी आर ऐसे काटो, एक्स की पावर एक्स अपॉन 3 की पावर, ये देखो 10, तो 10/2 और माइनस आपका जहाँ देखो दस, ये क्या हो जाएगा 2/r, ये देखो सॉरी r/2, और ये आपका 3/2 की पावर ये r हो जाएगी, और यहाँ x की पावर -2 की पावर भी r हो जाएगी। ये अब आप क्या देख रहे हैं आप सर, तो ना 10 सी आर मैंने इक्वल लगा दिया, सॉरी फॉर दैट, x की पावर x अपॉन 3 की पावर 5 माइनस आर बाई 2 हो गया, 3/2 की पावर आपका r हो गया, और x की पावर आपका देखो -2r हो गया। तो पावर है से पावर, सो नाउ दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, नाउ तो दिस ये आपका ये आ गया सर, इसका मतलब 10 सी आर x की पावर कह दो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ कह रहे सर, तो ये 1/3 की पावर, ये देखिए ये आपका आ जाएगा 5 माइनस आर बाई 2, और ये x की पावर 5 माइनस आर बाई 2 और माइनस ये 2r, ये इसके साथ ये पावर आपका ए हो गया, और ना इंटू ये 3/2 की पावर आपका आर भी हो गया, x की पावर और ये पावर कहाँ, x की पावर m इंटू x की पावर n, जब बेस सेम हो और पावर आपका पावर आर एडिट टू इच अदर, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक हो गया, क्लियर? अभी कोई लफड़ा, अभी आपका आ जाएगा ये फाइनल स्टेज आपकी यहाँ पहुंच गए। तो अब आपका आर प्लस वन का टी एच टर्म इज कॉन्स्टेंट, सो आपका पावर ऑफ एक्स आप क्या करेंगे विल बी जीरो। अब आपका फाइव माइनस आर बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो 2 5 10 माइनस r माइनस 2 2 4r अपॉन 8 2 इक्वल टू आपका 0 हो गया। नाउ आपका 10 माइनस 5r इज इक्वल 0 इंटू 2, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो 10 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, तो 10 इज इक्वल टू आपका 5r, r इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया, तो नाउ r इज इक्वल टू आपका 0, आर इक्वल टू आपका 2 आ गया। बस अब आपका नाम देखो दिस ना, ये कॉन्स्टेंट जिसको आप कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो आपका कॉन्स्टेंट होता है। अब यहां रखेगा 10 सी 2 1 अपॉन 3 की पावर 5 माइनस 2/2, एक्स की पावर 5 माइनस 2/2 और माइनस ये 2 इंटू 2 और आपका देखो ये 3/2 की पावर आपका देखो नाउ दिस इज 10 सी 2, पहले तो यही करूँगा 1/3 की पावर 2 5 10, 10 में से 2 गया 8, आपका देखो 8/2 का मतलब 4, आपका देखो 5 की पावर या सॉरी x की पावर ये 5 माइनस 1 और माइनस 4 आ गया, और 3/2 की पावर आपका नाउ देखो दिस इज 10 सी 2 आपका 1/3 की पावर आपका 4, x की पावर आपका 0 हो गया, प्लस का 5 और माइनस का देखो, और आपका नाम ये 3/2 की पावर आपका 0, ओके।
बनाओ, अब यहाँ पे एन सी आर इज नॉट फैक्टोरल एन ओवर फैक्टोरल आर एन माइनस आर आपने किया, तो फैक्टोरल टेन ओवर फैक्टोरल टू, टेन माइनस टू वन अपॉन थ्री, थ्री जा नाइन, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री आपने कर दिया, एक्स की पावर जीरो आपका वन हो गया, ये थ्री थ्री इंटू थ्री और अपॉन ये आपका टू इंटू टू, आप चाहे तो थ्री थ्री जा नाइन से इसको उड़ा दीजिएगा आपका नंबर, अब ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरल टेन, तो टेन इंटू नाइन इंटू फैक्टोरल एट अपॉन ये टू इंटू वन और फैक्टोरल एट हो गया नौ इंटू वो आपका देखो वहाँ क्या हो वन अपॉन थ्री इंटू थ्री और आपका टू इंटू टू हो गया, टू से टू फाइव जा हो गया, थ्री थ्री सा ये नाइन हो गया आपका नाम देखो फैक्टोरल एट से फैक्टोर फाइव बाई टू टू सा फोर, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया फाइव बाई टू, क्लियर सर। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका नाउ थ्री आपको वही है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, और ये है आपका नाम वन अपॉन टू एक्स की पावर वन बाई थ्री नाउ प्लस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन फाइव एंड द होल पावर इज नाउ एट, जी वन अपॉन टू एक्स की पावर वन अपॉन थ्री और प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई फाइव द होल पावर इज एट, इसका आपने निकालना है, डू इट।